और उसको कालिख लगाएंगे कि तुम कैसी औरत हो। फोन करके उस बंदी को मना किया था, साफ स्पष्ट मना किया था कि तुम मेरे बेटे बहू से दूर रहो, और नहीं तो जो करना हसर होगा तुम्हारा हम करेंगे। और उसको हम क्या बोले, उसको इतना भी समझ नहीं था कि हमारे पति किस निगाह से किस औरत को देख रहा है। उस समय दोनों आँख फोड़ देना चाहिए और उस औरत को इतना मार मारना चाहिए ना, अपने घर में चप्पल से मारना चाहिए। ये कैसे बर्दाश्त कर ली यार, हम यही सोचते हैं। और मेरा मैं आज तक बहुत सी सास देखी हूँ कि अपनी बहू की बुराई करती है, मगर यहाँ पे अप्सरा मॉम ऐसी सास और मिसाल बनेंगी, ये सिर्फ सच का साथ दे रही है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अप्सरा मॉम का कहना था कि मेरा बेटा जिस दिन गलत था, मुझे जब पता चला तभी मैं उसको कॉल करके मना कर दी थी मेरे बेटे से दूर रहना, मगर वो मेरे बेटे से दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। और मनीषा कैसे ये सब बर्दाश्त की, मैं उसके जगह रहती तो मैं अपने बेटे का आँख फोड़ देती, और मनीषा को उसी टाइम कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, मगर मनीषा अपने नज़रों के सामने होते कैसे देख ली। उस पे इनका ये भी कहना है कि मैं हमेशा मनीषा का साथ दूंगी और सच के साथ रहूंगी, उसके चाहे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस भी कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले।